प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम प्रमुख मुद्रा मान, उनमें भी स्वर्ण मान एवं रजत मान के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में मुद्रा मान की मुद्रा प्रणालियां मौद्रिक व्यवस्था, द्रव्यमान तथा मौद्रिक मान के नाम से भी पुकारा जाता है। मुद्रा मान का आशय उस मौद्रिक व्यवस्था से जिसके द्वारा मुद्रा का मूल्य अथवा क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। मुद्रा मान के क्रमिक विकास के साथ साथ उसके अर्थ में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। जहां वस्तु मुद्रा काल में मुद्रा मान का आशय उस वस्तु से होता था जिसमें क्रय शक्ति व्यक्त की जाती थी, पर जब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा तो धातु मुद्रा काल में मुद्रा मान का अर्थ उस व्यवस्था में लगाया जाने लगा जिसके अंतर्गत देश की मुद्रा का मूल्य उस मूल्यवान धातु के रूप में व्यक्त किया जाने लगा जिससे प्रामाणिक सिक्के बनाए जाते थे। अतः आधुनिक काल में मुद्रा मान के अंतर्गत जिस वस्तु या व्यवस्था द्वारा मुद्रा की क्रय शक्ति अथवा मूल्य व्यक्त किया जाता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। प्रोफेसर होम के शब्दों में प्रामाणिक मुद्रा के विनिमय मूल्य तथा परिमाण को नियंत्रित करने की प्रमुख पद्धति को ही मौद्रिक मान कहा जाता है। वास्तव में शॉपिरो, सेलिंगमैन एवं वाइट एक देश के मुद्रा मान में वे सब विधान एवं व्यवहार सम्मिलित है जिनसे देश में मुद्रा की मात्रा तथा गुण नियंत्रित होते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में मुद्रा मान एक विशिष्ट मूल्यमान पर आधारित संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण मौद्रिक संबंध एवं तत्व संबंधी नियम, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के निर्गमन संबंधी नियम, वस्तुओं या धातुओं के आयात निर्यात, क्रय विक्रय, विदेशी विनिमय संबंधी व्यवहार, बैंक डिपॉजिट, प्रधान मुद्रा की मात्रा और उसके विनिमय मूल्य के नियंत्रण आदि सबका समावेश होता है। मुद्रा की क्रय शक्ति अथवा मूल्य के व्यक्त करने में की अनेक विधियां हैं। ये देश की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। वास्तव में किसी भी स्थिति में या किसी भी प्रकार के मुद्रा मान का चयन किया जा सकता है। मुद्रा मान के रूप में किसी एक धातु की को चुनना, जैसे स्वर्ण या रजत, और इस धातु के रूप में ही मुद्रा की क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। मुद्रा मान के रूप में दो या दो से अधिक धातुओं को चुनना, जैसे स्वर्ण और रजत दोनों, या स्वर्ण रजत और कोई अन्य धातु। मुद्रा की इकाई का मूल्य किसी दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त करना, जैसे भारत के रुपए का मूल्य स्टर्लिंग में आदि। मुद्रा मान एवं मूल्य मान में अंतर। वास्तव में सामान्यतः लोग मुद्रा मान यानी मॉनेटरी स्टैंडर्ड और मूल्य मान स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू में घनिष्ठ संबंध के कारण इन्हें एक ही समझ बैठते हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। मूल्यमान का आशय उस मुद्रा इकाई से होता है जिसके द्वारा देश की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें व्यक्त की जाती है। भारत में रुपया, ब्रिटेन में पौंड, रूस में रूबल आदि इसके उदाहरण हैं। इसके विपरीत मुद्रामान अधिक व्यापक शब्द है और इसके अंतर्गत देश की मुख्य व्यवस्था के वे सब अधिनियम एवं व्यवहार सम्मिलित हुए जिसके द्वारा देश की मुद्रा की मात्रा व गुण पर नियंत्रण रखा जाता है। इस प्रकार मुद्रा मान में मूल्यमान के अतिरिक्त मुद्रा नियंत्रण संबंधी सभी नियम, धातु मुद्रा की मात्रा, मानक सिक्कों के अतिरिक्त अन्य सिक्के व गौण मुद्रा, साख मुद्रा पर नियंत्रण, बहुमूल्य धातुओं के क्रय विक्रय पर नियंत्रण, उनके आयात निर्यात संबंधी व्यवस्थाएं तथा मौद्रिक नीति का समावेश होता है। अर्थात मूल्यमान मुद्रा मान का महत्वपूर्ण अंग है। मुद्रा मान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड। वर्तमान या आधुनिक युग में मुद्रा मान का अत्यधिक महत्व है।
मुद्रामान में देश में की मुद्रा की मात्रा व गुण पर नियंत्रण संबंधी अधिनियमों एवं व्यवहारों का समावेश होता है, जिनका की देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है और उनकी प्रगति बहुत कुछ उपयुक्त मुद्रामान पर निर्भर करती है। मूल्यों के नियंत्रण और स्थिरता से उद्योग, व्यापार एवं सभी व्यवसाय पनपते हैं। देश के आर्थिक विकास और समृद्धि का मार्ग भी मुद्रामान के परिणाम स्वरूप ही होता है। सुदृढ़ मौद्रिक नीति पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थायित्व एवं प्रगति का द्योतक है। इसी प्रकार सामाजिक बुराइयों को बढ़ने से भी रोका जा सकता है तथा राजनीतिक उथल पुथल पर भी नियंत्रण होता है। देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति एक आदर्श मुद्रामान पर ही निर्भर करती है। आदर्श मुद्रामान में निम्नलिखित गुण होने चाहिए अथवा एक आदर्श या श्रेष्ठ मुद्रामान के निम्न गुण विद्यमान होने चाहिए। देश में मुद्रामान के विशेष महत्व के कारण उसी मुद्रामान को आदर्श मुद्रामान माना जा सकता है, जिससे कीमतों में स्थिरता, व्यवसाय, उद्योग एवं व्यापार की प्रगति, सामाजिक बुराइयों का समापन, राजनीतिक सुदृढ़ता और आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इस संदर्भ में एक अच्छे मुद्रामान में निम्न गुण होने चाहिए। ए, जनता का विश्वास। मौद्रिक मान इतना सरल होना चाहिए कि उसके विभिन्न पहलुओं को समझना जनसाधारण के लिए कठिन न हो। जनता के विश्वास के लिए वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप हो और राजनीतिक स्थिरता रहे। अतः मौद्रिक मान सरल और अर्थव्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट, लोचता। मुद्रामान में पर्याप्त लोचता होनी चाहिए ताकि आर्थिक प्रगति, मूल्य स्थायित्व और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा की मात्रा एवं गुणों पर नियंत्रण संभव हो सके। नेक्स्ट, मूल्य में स्थिरता। एक आदर्श मुद्रामान में प्रामाणिक मुद्रा के मूल्य में अपेक्षाकृत स्थायित्व होना चाहिए। एक आदर्श मुद्रामान में मुद्रा के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता के साथ साथ सर्वग्रहता और मूल्य मापन के अपने कार्यों को भी सफल करने का गुण होना चाहिए, तभी मौद्रिक मान मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों से अर्थव्यवस्था को विश्रंखलित होने से बचा सकेगा। नेक्स्ट, मितव्यता। आदर्श मुद्रा मान में मितव्यता होनी चाहिए। मितव्यतापूर्ण संचालन न केवल पिछड़े राष्ट्रों के लिए उपयोगी होता है बल्कि विकसित राष्ट्रों के लिए भी आवश्यक है। खर्चीला मुद्रा मान संकट में साथ नहीं देता और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के समय स्वर्ण मान इसी टूटने का यह एक अच्छा उदाहरण है। आदर्श मुद्रा मान में बहुमूल्य वस्तुओं का कम से कम प्रयोग होना चाहिए, तभी उसमें लोच रहती है तथा विपन्नता में भी प्रभावी रहता है। आर्थिक नियमों की निश्चितता। मुद्रा मान आदर्श तभी कहलाएगा जबकि उसके नियम निश्चित, स्पष्ट एवं व्यवहारिक हो, ताकि मुद्रा अधिकारी अपने दायित्वों को टाल न सके और उत्तरदायित्व के दोषी होने पर उसे दोषी ठहराया जा सके। स्वचालितता एवं न्यूनतम हस्तक्षेप। आदर्श मुद्रा मान में स्वचालितता का गुण होना चाहिए। पूर्ण स्वचालितता तो केवल कल्पना ही है, परंतु संचालन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम हस्तक्षेप से देश की व्यापारिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा की मात्रा व गुणों में परिवर्तन हो सके। इन गुणों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के मुद्रामानों का विवेचन किया जा सकता है। सरलतम। एक आदर्श मुद्रामान वह है जिसमें नियम, उपनियम तथा संचालन व्यवस्था सरल एवं जनसाधारण के समझ में आने योग्य हो। नेक्स्ट, परिवर्तनशीलता। एक आदर्श मुद्रामान में प्रचलित मुद्रा की बहुमूल्य धातु अथवा अन्य मान्य मुद्रा में परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विदेशी भुगतानों में सरलता रहे तथा मुद्रामान में जन विश्वास बना रहे। नेक्स्ट है, टिकाऊपन। एक आदर्श मुद्रामान वह मुद्रामान है जिसमें दीर्घकाल में तक चलने की व्यवस्था या स्थिति हो। इस प्रकार एक आदर्श मुद्रामान में मुख्य रूप से जनता का विश्वास
और लोचदा होने के साथ साथ मूल्य में स्थिरता एवं मितव्यता भी होनी चाहिए और वैधानिक नियमों की निश्चितता, स्वचालितता एवं न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ साथ सरल एवं परिवर्तनशील भी होनी चाहिए। साथ ही साथ यह टिकाऊपन की स्थिति में भी होना चाहिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में कोई भी परिवर्तन होने पर यह नीति या यह मुद्रामान लंबे समय तक या दीर्घकाल में चलने की स्थिति में हो।